नमस्कार, आज हम बनाएंगे वेज रोल टिक्की। गेहूं का आटा और ढेर सारी सब्जियां, और ये टिक्की जितनी दिखने में अच्छी है उससे ज़्यादा खाने में अच्छी है। इन्हें आप नाश्ते में परोस दीजिए, साथ में चटनी रख दीजिए। इन्हें आप खाने में भी परोस सकते हैं, साथ में दाल या कोई भी अपनी मनपसंद सब्जी रख दीजिए, आपको बहुत पसंद आएंगी। तो शुरू करते हैं बनाना। वेज रोल टिक्की बनाने के लिए सबसे पहले हमें डो बनाना है। उसके लिए हमने प्याले में 1.5 कप गेहूं का आटा ले लिया है। इसमें हम 2 टेबलस्पून तेल डाल देंगे। ये 2 उबले हुए आलू छीलकर मैश करके ले लिए हैं। 3/4 कप उबला मैश्ड आलू, 1/2 छोटी चम्मच नमक और 1 पिंच बेकिंग सोडा और ये पानी। सारी चीज़ों को पहले मिला लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए सॉफ्ट डो लगाएंगे, जैसे पराठे के लिए लगाते हैं बिल्कुल उसी तरह का। आटा गूंथने के बाद हाथों पे चिपका रहता है, तो थोड़ा सा तेल लगाकर हाथों पे और आटे को दोबारा मसल लें तो हाथों से आटा छूट जाता है, आटा भी स्मूथ हो जाता है। ये डो लगाकर हमने तैयार कर लिया, और इतना डो लगाने में हमने ये 1/2 कप पानी लिया था, तो लगभग 1/4 कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी लग गया है। इसे हम 1/2 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देते हैं। 1/2 घंटा हो गया और हमारा डो भी सेट होकर तैयार हो गया। थोड़ा सा हाथ पर तेल लेके इसको थोड़ा और मसल लेंगे। तो डो तो तैयार हो गया, अब हम इसमें भरने के लिए स्टफिंग बनाएंगे। स्टफिंग के लिए हमने ये लिया है ग्रेटेड 1/2 कप फूलगोभी, ग्रेटेड 1/2 कप गाजर, 1/2 कप बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, 1 या 2 हरे मिर्च बारीक कटे हुए और 2-3 टेबलस्पून हरा धनिया बारीक कटा हुआ, 1/4 छोटी चम्मच नमक। हम इस स्टफिंग में बहुत ज़्यादा मसालों का यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही कम मसालों में बना हुआ ही ज़्यादा अच्छा लगता है। सब्जियों में हमने गोभी, गाजर, कैप्सिकम ले लिए। आप अपनी पसंद से कोई भी सब्जी ले सकते हैं, कैबेज ले सकते हैं, प्याज ले सकते हैं। स्टफिंग को हम पहले से बनाकर नहीं रखेंगे, क्योंकि सब्जियों में नमक डालने के बाद उनसे जूस रिलीज होने लगता है, तो स्टफिंग वाटरी हो जाएगी। स्टफिंग तैयार हो गई। डो को हम 2 भागों में डिवाइड कर लेंगे। एक भाग को गोल करके बॉल तैयार करेंगे। तो पहले तो हम बोर्ड पर थोड़ा सा तेल डालेंगे। और थोड़ा सा ऑयल बेलन पर भी लगा लेंगे। हमें इसे रेक्टेंगुलर बेलकर तैयार करना है। हल्का सा इसे मोटा रखेंगे। ये शीट तैयार हो गई और इसके ऊपर बिछाएंगे अब सब्जियां और इन्हें एक जैसा फैला के चम्मच से आटे के अंदर दबा देंगे। सब्जी को थोड़ा प्रेस करके आटे के अंदर दबा देते हैं। और अब हम इसे रोल करेंगे। थोड़ा सा इसे इस तरीके से बढ़ाते हुए पतला कर लेते हैं। अब इसे हम काट लेते हैं।
और इन्हें थोड़ा प्रेस करके इस तरीके से टिक्की का शेप दे देंगे। ये टिक्कियां हमने तैयार कर ली। वेज रोल टिक्की को बेक कर सकते हैं, स्टीम कर सकते हैं और शैलो फ्राई कर सकते हैं। शैलो फ्राई की गई टिक्की ज्यादा क्रिस्पी बनती है, तो हम इन्हें शैलो फ्राई कर लेते हैं। ये हमने पैन ले लिया, गरम कर लेते हैं और इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं और अब इसके गरम होने का इंतजार करते हैं। इन्हें सीकने के लिए पैन में लगाते हैं। हमें ये टिक्की सेकने के लिए मीडियम गरम तेल चाहिए और फ्लेम लो मीडियम चाहिए। अगर हम इन्हें ज़्यादा गरम तेल में सेकने के लिए लगाएंगे तो ये ऊपर से फटाफट सेक जाएंगी और अंदर से क्रिस्पी नहीं होंगी। देखिए पीछे से देख रहे हैं, ये काफ़ी ब्राउन हो गई है। फ्लेम को धीमा कर देते हैं और इन्हें पलट देते हैं। टिक्की कितनी गोल्डन ब्राउन हो गई है और इन्हें एक ओर से सेकने में सिर्फ 4 मिनट लगे हैं। दूसरी साइड से देखते हैं पलट के। सेक तो गई है लेकिन थोड़ा सा और सेक लेते हैं। अब फिर से चेक करते हैं। वाह, बहुत अच्छी ब्राउन सेक कर तैयार हुई है। हम इन्हें एक बार और पलट देते हैं और बस निकाल लेते हैं। वेज रोल टिक्की का पहला बैच शैलो फ्राई होकर तैयार हो गया। बचे हुए डोसे भी इसी तरीके से वेज रोल टिक्की बना लेंगे। हमने सारी टिक्कियां बनाकर तैयार कर ली। इन्हें तलने के लिए 4 टेबलस्पून तेल लिया था, उसमें से 2 टेबलस्पून तेल बच गया है। टिक्की तलने में बहुत कम तेल लगा है। गेहूं के आटे से बनी वेज रोल टिक्की तैयार है। इन्हें आप चटनी के साथ में नाश्ते में परोस दीजिए और खाने के लिए परोस रहे हैं तो साथ में दाल या अपनी मनपसंद कोई ग्रेवी लगा दीजिए। आपको और आपके परिवार को बहुत पसंद आएंगी। और इसे बनाने में तो आपको कैसी भी दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जब आप इसे सेक रहे हैं तो ध्यान रखें कि फ्लेम तेज ना हो। इसे लो मीडियम और लो फ्लेम पर सेकें। बहुत अच्छी वेज रोल टिक्की बनकर तैयार होंगी। तो आप इन्हें बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। और मुझे ये भी बताइए कि मुझे आपके लिए कौन सी नई रेसिपी बनानी है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।